देखिए ऐसा है कि हुक्म आपका होता है, उसके बाद आप मेरे पे छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खुदरे व्यापार में विदेशी निवेश को लेकर विचारात्मक या मौका परस्त सरकार से मतभेद हो सकते हैं, पर विदेशी निवेशकों को धमकाना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और बिल्कुल ही अभद्र है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को यह हक है कि वो नीति निर्धारण करे, विपक्ष को यह हक है कि वो उस नीति से सहमति जताए या ना जताए, लेकिन धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल करना कि 20 महीने के बाद सरकार बदल जाएगी, नई सरकार इस नीति से इत्तेफाक रखे ना रखे, आपको सोचना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही मानसिकता है ये उसका प्रमाण है। अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री अरुण शौरी जी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुदरे व्यापार में विदेशी निवेश का उनकी सरकार रहते विरोध किया था, और वो शायद ये बताना भूल गए जो सार्वजनिक तौर पर सारे अखबारों में भी छपा है कि 14 मई 2002 को उन्हीं की सरकार ने एक नोट मूव किया था जिसके तहत उनकी मंशा यह थी कि 51% नहीं पर पूरा 100% विदेशी निवेश की इजाजत खुदरे व्यापार में दी जाए।